नमस्कार दोस्तों, इलीट इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज फिर से हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नॉन रिटर्न वाल, NRV जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आज आपको थोड़ी सी जो जानकारी है वो नॉन रिटर्न वाल के ऊपर हमने देनी है। काफ़ी लोग SMS करते हैं मेरे को, नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में ही पूछते हैं, तो कौन सा नॉन रिटर्न वाल्व यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेटर रहता है, किसकी अवेलेबिलिटी कैसे है, तो उसकी आज आपको जानकारी देंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये नॉन रिटर्न वाल्व है, LG टाइप नॉन रिटर्न वाल्व इसको कहते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने यही नॉन रिटर्न वाल्व देखा होगा। अंदर इसके प्लंजर रहता है और उसके आगे रबड़ लगी रहती है। बॉडी के अंदर सीट बनी हुई होती है, आप देख सकते हैं, वो रबड़ जाके सीट के ऊपर बैठती है, तो ये जो एयर को मशीन में दोबारा जाने नहीं देता। नॉर्मली जो दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व का काम होता है, टैंक में हमारा जो एयर रिसीवर टैंक होता है उसमें एयर को रिजर्व करके रखना है। इसमें जितनी भी एयर टैंक के अंदर चलेगी उसको वापस इसने नहीं आने देना। यहाँ पे एक पॉइंट होता है रिलीफ वाल्व के लिए, तो जैसे आपको दूसरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ऑटो कट के साथ प्रेशर स्विच के साथ एक रिलीफ वाल्व लगा रहता है, जितनी प्रेशर रिमेनिंग एयर होती है पाइप में वो निकल जाती है यहाँ से। तो दोस्तों ये तो पहले जो आपको बताया कि LG टाइप नॉन रिटर्न वाल्व होता है, बेस्ट कौन सा है, बढ़िया कौन सा है ये आपको बाद में बताते हैं। ये ऐसे इसकी फिटिंग होती है, ये जो हिस्सा है इसका ये टैंक के साथ अटैच हो जाना है, और ये वाला जो है यहाँ से पाइप जाएगा कंप्रेसर की ओर। नंबर 2 पे दोस्तों ये वाले आते हैं, इसको फ्लोटिंग टाइप और वर्टिकल टाइप नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया होता है, आजकल काफ़ी यूज़ में आता है, कुछ कंपनी पहले से इनको इस यूज़ करती है। कॉस्ट में भी ठीक होता है और जो रिलायबिलिटी है वो भी इसकी ज़्यादा है। तो इसको आपको खोल के दिखाते हैं। मैकेनिज्म आल्सो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। उसमें भी रबड़ वैसी लगी होती है, एक स्प्रिंग लगा होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसके अंदर यहाँ पे सीट बनी हुई होती है। ये रबड़ जो है नायलॉन की रबड़ होती है, वो सीट के ऊपर बैठती है जाके, सेम काम वही करना है इसने भी। जब टैंक के अंदर हवा फुल हो जाएगी तो पीछे से इस जगह से एयर प्रेशर डालेगी, तो ये रबड़ सीट के ऊपर बिल्कुल बैठ जाएगी, तो एयर जो है ये बाहर नहीं आने देगी। तो दोस्तों जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे ये वाला जो वर्टिकल टाइप नॉन रिटर्न वाल्व है ये बेस्ट रहता है। वैसे तो देखने में ये बड़ा रहता है, ज़्यादातर कस्टमर इसी को पसंद करते हैं क्योंकि देखने में काफ़ी हैवी रहता है, बड़ा रहता है। लेकिन एक थोड़ा सा टेक्निकल कारण है, वो ये है कि दोस्तों जब कंप्रेस्ड एयर होती है ना वो काफ़ी गर्म होती है, कंप्रेशन की वजह से एयर गर्म हो जाती है, तो क्या होता है कि ये जो नॉन रिटर्न वाल्व है ये बाहर रहता है, टैंक के ऊपर लगा रहता है, तो ये गर्म काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो इसकी रबड़ की लाइफ है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे रबड़ जो है इसकी वो ख़राब हो जाती है और ये एयर को रोकना एक दिन फिर बंद कर देता है। वर्टिकल टाइप नॉन रिटर्न वाल्व का यही बेनिफिट है कि जो एयर होती है वो टैंक के अंदर जाती ही एयर को वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाता है, तो एयर का टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, तो उस वजह से ये ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा तो रबड़ जो है जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो ये वाले काफ़ी रिलायबल रहते हैं, लाइफ काफ़ी होती है इनकी। बाकी अगर किसी में भी अगर प्रॉब्लम आ भी जाए, मानिए कि ये वाला है, तो इसकी रबर जो है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप इसकी रबर जो है चेंज कर सकते हैं। रबर ये इसीलिए अवेलेबल होती है किसी भी हार्डवेयर की शॉप के ऊपर। इसमें काफ़ी साइज़ होते हैं, जैसे ये नॉन रिटर्न वाल्व है इसमें भी 2-3 साइज़ आते हैं,
नॉर्मली हम अपने कंप्रेशर के ऊपर ये वाला यूज़ करते हैं, पहले ये करते थे अब यही करते हैं, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी और क्वालिटी और जो ओवरऑल इसकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़िया रहती है, कस्टमर को जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बढ़िया से बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।